ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। नागौर की मेड़ता सिटी पंचायत समिति में बरसात से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे इलाके के कच्चे मकानों के गिरने की संभावना बनी हुई है। इलाके के ईदावर सहित अनेक गांवों में पानी भरने से ग्रामीण परेशान हैं। वहीं सड़क बनने और पानी का उचित निकास नहीं होने से रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। टोंक जिले के देवली पंचायत समिति में सरकार के प्रतिबंध लगाने के बाद भी अवैध नौकाओं से मछलियों का शिकार हो रहा है। बीसलपुर बांध से प्रतिदिन मछलियों का शिकार हो रहा है। टोंक जिले के निवाई पंचायत समिति के मनोहरपुरा में खेत में काम करते वक्त सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। भीलवाड़ा की जाहजपुर आमलदा ग्राम पंचायत में हंगामा हो गया। आमलदा सरपंच, सरपंच पति व उप सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। वहीं सेवक संघ ने 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर सचिवों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। प्रतापगढ़ के धरियावाद कस्बे में जैलदा गांव के पास पुलिया पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वन्यजीव की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा धरियावाद बांसी मार्ग पर हुआ, जहां भी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोर मर गया। बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति में पटेलवाड़ा, बुनकर मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस चौराहा और बांसवाड़ा रोड पर पिछले 2 माह से जल वितरण व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बीकानेर जिले के खाजूवाला पंचायत समिति के राजकीय अस्पताल के बाहर शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजसमंद की आमेट पंचायत समिति के सियाड़ा ग्राम पंचायत का सालों पुराना भवन ढह गया, जिससे भवन में रखा फर्नीचर, अलमारी, कुर्सियां टूट गई। वहीं अलमारी में रखे पुराने रिकॉर्ड सब नष्ट हो गए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अध्यापिका के जलने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौत के मामले में अध्यापिका के पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जोधपुर जिले के औसिया पंचायत समिति के 29 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने श्री योजना का विरोध किया। सरपंचों का कहना है कि श्री योजना के द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्य नहीं करेंगे। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति के तालाब शाही पर मानसूनी बारिश के साथ तालाब में पानी की आवक हो रही है, लेकिन पिछले कई सालों से तालाब के पार में आई दरारों से पानी का लीकेज हो रहा है। जिसके चलते बांध जल्दी खाली हो जाता है। सिंचाई नहर परियोजना के अध्यक्ष रामभरत मीणा ने इसकी शिकायत कई बार सिंचाई विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं ले जा रही है। बारां जिले के अटरू पंचायत समिति और आसपास के गांव में सट्टे का चलन जोरों पर है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। धौलपुर की राजाखेड़ा पंचायत समिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल हो रहा है। जनता को जिससे परेशानी हो रही है, जिसके बाद लापरवाह अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। करौली की हिंडौन सिटी पंचायत समिति के सूरोठ और भरतपुर मार्ग पर उदासी के बाग के पास भारी जलभराव के कारण सड़क पर निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये जलभराव की समस्या नालियों के नहीं होने से जमा हो जाती है। पाली के मारवाड़ जंक्शन कस्बे में बारिश के दिनों में नालियों में पानी निकासी नहीं होने से मुख्य बाजार में पानी भर जाता है और जलभराव से राहगीरों को परेशानी होती है। जोधपुर की शेरगढ़ पंचायत समिति में थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी भी आ गया है। वहीं ये आरोपी अवैध शराब को पशु आहार के कट्टों के नीचे दबाकर ले जा रहा था।
करौली के नादौती कस्बे में रलतवा गांव में पेयजल योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। गांव के लोगों को पिछले कई सालों से पानी की समस्या से निजात नहीं मिला है, जिससे जलदाय विभाग की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। करौली के मंटवायल पंचायत समिति के धौरेटा गांव में मनरेगा कार्य धीमी गति से चल रहा है। कार्य कर रहे श्रमिक कार्य को बड़ी धीमी गति से कर रहे हैं। वहीं ज्यादातर श्रमिक कार्यस्थल से नदारद रहते हैं। बाड़मेर जिले के चौहटन पंचायत समिति में पुलिस ने खेत के विवाद को लेकर आपस में उलझ रहे दो भाइयों समेत तीन जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जालौर जिले की रानीवाड़ा पंचायत समिति के धानोल गांव में राजकीय भवन में निजी विद्यालय चल रहा है। वहीं सरकारी भवन में निजी स्कूल के संचालित होने पर भी अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जालौर जिले के बागोड़ा पंचायत समिति में इन दिनों सड़कों का बुरा हाल है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर जिले के बायतू पंचायत समिति में मादासर निवासी बिंजाराम ने पुलिस थाने में बुलेरो चोरी होने का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। जालौर जिले के चितलवाना पंचायत समिति के नेशनल हाईवे पर बनी पुलिया ओवरलोडिंग वाहनों से क्षतिग्रस्त हो रही है। वहीं यातायात विभाग और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर पंचायत समिति में विचरण करने वाले बेसहारा गौवंशियों को गौशाला में लिए जाने की मांग को लेकर नागरिकों ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा जिले के सुवाड़ा पंचायत समिति के भोली ग्राम में स्कूल के रास्ते पर बारिश के बाद कीचड़ होने का मामले को लेकर छात्रों ने भीलवाड़ा मंगरोप मार्ग पर जाम लगाया। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा पंचायत समिति की मुंशी पंचायत के मुंशी और दुआब वालों का खेड़ा गांव में हैंडपंपों के खराब पड़े होने से लोगों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। नागौर जिले के मकराना पंचायत समिति के बरवाला गांव में राजकीय विद्यालय में शिक्षकों सहित कई कार्मिकों के पद रिक्त पड़े होने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार विभाग को अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसलमेर जिले के पोखरण पंचायत समिति के कई ऐसे गांव हैं जो आज भी रोडवेज बस की सुविधा से वंचित हैं। वहीं ग्रामीणों ने रोडवेज बसों की मांग की है, लेकिन इसके बाद भी रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा जिले के महवा पंचायत समिति के ठेकड़ा गांव में अवैध खनन किए जाने से पहाड़ खोखले हो रहे हैं। वन विभाग के इस पहाड़ से रोजाना 100 से भी अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर निकाला जा रहा है। वहीं अवैध खनन पर रोक लगाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को पत्र भेजकर शिकायत किए जाने के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लग रही है। भरतपुर जिले के सेवर पंचायत समिति में इन दिनों गंदगी का आलम छाया हुआ है। निगम और पार्षद सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भरतपुर जिले के सेवर पंचायत समिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते और नालियां टूटी पड़ी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं।
झालावाड़ जिले के पिड़ावा पंचायत समिति में 16 जुलाई को हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू जिले के रतनगढ़ पंचायत समिति के घुमांदा की रोही गांव में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। भरतपुर जिले के डीग पंचायत समिति के ईओ जितेंद्र मीणा को जिला कलेक्टर रवि जैन ने सस्पेंड कर दिया। ईओ का चार्ज तहसीलदार आरएन अग्रवाल को सौंपा गया। आपको बता दें कि परवादों को समय पर निस्तारण नहीं करने और बगैर सूचना के मुख्यालय को छोड़ने का आरोप है। बूंदी जिले के हिंडोली पंचायत समिति क्षेत्र में बजट के अभाव में रास्तों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। वहीं बारिश के दौरान गांव की सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। लेकिन पंचायत के पास बजट नहीं होने से रास्तों की मरम्मत नहीं हो पा रही है और सरपंचों ने बताया कि गांव के विकास के लिए सरकार को अलग से बजट भिजवाना चाहिए। भरतपुर जिले के कुमेर पंचायत समिति में छात्रावास जर्जर होने लगे हैं। यही नहीं, बनने के बाद 7 साल बाद भी छात्रावास चालू नहीं हो पाए। आपको बता दें कि सबोरा गांव में 60 लाख की लागत से छात्रावास बना था। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ पंचायत समिति के ब्रह्माणी जोड़ी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। जालौर जिले के सांचौर पंचायत समिति में जमकर हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। बूंदी जिले के नैनवा पंचायत समिति में धोखाधड़ी के मामले में 3 जनों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।